सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जस्टाकाइंड एसआर टैबलेट के बारे में, जिसके उपयोग, फायदे, नुकसान, साथ ही साथ इसकी एमआरपी, किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर के यह मेडिसिन बनी है और किस किस इंडिकेशन में डॉक्टर्स मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं, इसके यूजेज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, साथ ही साथ इसके एमआरपी के बारे में बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से अवश्य पहुंचे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जस्टाकाइंड एसआर टैबलेट के बारे में, जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बेची जाने वाली ड्रग्स होती है। दोस्तों, इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों, तो एक स्ट्रिप इसकी जो है 115 रुपए की एक स्ट्रिप आती है, जो कि 10 टैबलेट्स इसमें होते हैं। यानी 10 टैबलेट्स आपको दोस्तों किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 115 रुपए में। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कंपोजिशन की। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो कंपोजिशन होता है, ईच एंड कोटेड सस्टेन रिलीज टेबलेट कंटेंस आइसोसुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg। यानी कि दोस्तों 40 mg इसमें दोस्तों आइसोसुप्रीन दिया हुआ है, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल से बनी हुई मेडिसिन है। मैनुफैक्चरिंग की बात की जाए दोस्तों, तो यह दोस्तों पेंटाक्राफ्ट जो है एक कंपनी है, उसके द्वारा मैनुफैक्चरिंग की गई है। लेकिन जो है मार्केटिंग का कार्य मैनकाइंड की ही एक लाइफ स्टार डिवीजन है, उसी के द्वारा जो है सेल करने का कार्य किया जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके यूज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो बेसिकली यूज होता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रीटम बर्थ, हैबिचुअल अबॉर्शन और थ्रीटेन अबॉर्शन वाले केस में डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। प्रीटम बर्थ यानी दोस्तों कि प्रसव जो है, यानी समय से पहले बच्चा पैदा हो जाना, या फिर हैबिचुअल अबॉर्शन, बार बार अबॉर्शन वाली प्रॉब्लम आती है, या फिर जो है थ्रीटेन अबॉर्शन वाले केस में इस टैबलेट को जो है रिकमेंड किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। दोस्तों, यह क्या करता है, यह जो है यह मेडिसिन, इसका जो बेनिफिट होता है, इसमें जस्टाकाइंड एसआर टैबलेट के देने से जो रक्त वाहिकाएं होती हैं फीमेल्स की, वह चौड़ी हो जाती हैं, जिससे कि गर्भाशय की जो नरम मांसपेशियां रहती हैं उसमें रक्त का प्रवाह संचरण या फिर रक्त संचार काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगता है। और जिससे क्या होता है कि जो महिलाओं का पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, रक्त वाहिकाएं या फिर असामान्य रक्त परिसंचरण की स्थिति जो परेशानी उनको देती हैं, वह जो है ठीक हो जाती है। इस दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोस्तों डॉक्टर जो है पेशेंट को लाइफस्टाइल भी थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि उसको स्वस्थ भोजन पेशेंट को, या फिर जो है उनको थोड़ा सा योगा वगैरह करने की भी सलाह दे सकते हैं। तो ये सारे दोस्तों इसके यूजेस और बेनिफिट होते हैं। यानी कि जो मोस्टली इसका यूज होता है, प्रसव समय से पहले ना हो, प्रीटम बर्थ यानी समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, बार बार अबॉर्शन वाली प्रॉब्लम आती है, इन सारे केसेस में दोस्तों इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। तो ये सारे दोस्तों इसके बेसिक से कुछ यूज और बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, जस्टाकाइंड एसआर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे इस टैबलेट के लेने से पेशेंट को हो सकता है थोड़ा बहुत चक्कर आए या फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। हालांकि सामान्यतः यह प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि फिर भी अगर आपको ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले इस टैबलेट के लेने के बाद में, तो आप जो है अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, इस टैबलेट को बंद कर दें, फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में इसका यूज करें। तो ये सारे इसके यूजेज और बेनिफिट थे दोस्तों। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो है जस्टाकाइंड एसआर से संबंधित। बाकी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।